दोस्तों क्या इंडिया में भी कोई एक्टिव वॉल्केनो है और क्या वहां पर जा सकते हैं? आदमी है कि कबूतर? दोस्तों चीनी आखिरकार शुगर आखिरकार किस कंट्री में इन्वेंट हुई थी? तेरी सासू माँ के घर में। और दोस्तों ये OMG बोलना आखिर किसने शुरू किया था? जा पूछ क्या। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ मिलकर पता लगाते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु एंड वेलकम टू वाओ अमेजिंग फैक्ट्स, जहां बातें और फैक्ट्स कभी खत्म नहीं होते। आज भी बहुत अमेजिंग फैक्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्ट। दोस्तों हम दूसरी कंट्रीज के वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में तो आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये वंडर किया है कि इंडिया में भी कोई वॉल्केनो है या नहीं? नहीं। एक्चुअली इंडिया में 6 वॉल्केनोस हैं। इन 6 में से 3 अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, एक हरियाणा में है, एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में। लेकिन इन सब में से केवल एक वॉल्केनो ही है जो एक्टिव है, और वो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रहने वाला बैरन आइलैंड वॉल्केनो। और तो और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। ये आइलैंड 3 किलोमीटर जितना वाइड है और इसमें इरप्शंस 1787 से चालू हैं। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर ये छोटा सा आइलैंड काफी टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन फॉर ऑब्वियसली सेफ्टी रीजंस यहां प्रॉपर टूर करने का कोई चांस नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आप पोर्ट ब्लेयर से एक बोट लेकर बैरन आइलैंड जा सकते हैं, पर ये बोट भी आपको दूर से वॉल्केनो दिखा के वापस ले आएगी। बैरन आइलैंड्स पर स्टे तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करिएगा दोस्तों। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट की। दोस्तों गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई और बर्फी में क्या चीज कॉमन है? इतने अच्छे अच्छे डेजर्ट्स के नाम लेकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बट एनीवे बैक टू द क्वेश्चन, इसका एक बड़ा ही सीधा साधा जवाब है, चीनी। ऑफ कोर्स, हमारी सारी शुगर क्रेविंग्स की जड़। क्या आपने कभी वंडर किया है कि किसने सबसे पहले चीनी बनाने की सोची? वेल, ये सोचने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने वो सारे अमेजिंग डेजर्ट्स बनाने थे जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लिया था। जी हाँ, इंडियंस। ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी AD में इंडिया में ही शुगर केन से शुगर बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ था, एंड ये नाम शुगर भी संस्कृत शब्द शर्करा से डिराइव्ड है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि शुगर केन को शुगर के लिए यूज करने वाले सबसे पहले लोग पॉलिनेशिया के थे, लेकिन शुगर एक्सट्रैक्शन का करंट प्रोसीजर इंडिया में ही बना था, और जब पर्शिया ने इंडिया को 510 BC में इन्वेड किया था तो यही प्रोसेस सीखकर उन्होंने अपनी कंट्री में उसे यूज करना शुरू कर दिया। और जब अरब लोगों ने 642 AD में पर्शिया को इन्वेड किया था तो इन्हें भी इस प्रोसेस के बारे में पता चल गया, और ऐसे ही करते करते पूरी दुनिया में शुगर ऐसे ही प्रोसेस होने लगी। क्या माला, इतनी हेरा फेरी रे। वैसे आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि इंडिया में इसका इन्वेंशन हुआ था। नाउ वी नो कि क्यों हम लोग इतने स्वीट होते हैं। दोस्तों इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस यूज करना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन आजकल जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं, ओ माय गॉड का OMG सबसे ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट जो लोग भगवान में मानते भी नहीं है वो तक हैरानगी में OMG बोल देते हैं। इतना कॉमन है ये फ्रेज, लेकिन इसे बोलना शुरू किसने किया? इसका आंसर भी है मेरे पास। इस फ्रेज को पहली बार यूज किया गया था साल 1917 में, वो भी एक लेटर में, और इस लेटर के सेंडर थे एक ब्रिटिश नेवी एडमिरल जिनका नाम था लॉर्ड फिशर, और ये लेटर लिखा गया था विंस्टन चर्चिल को। लॉर्ड फिशर World War I में इन्वॉल्व थे एज अ फर्स्ट सी लॉर्ड, लेकिन उन्होंने 1915 में रिजाइन कर दिया था। इनफैक्ट उनका नेवल करियर 1917 तक खत्म हो चुका था, और उसी टाइम के आसपास उन्होंने विंस्टन चर्चिल को वो लेटर लिखा था जहां OMG पहली बार यूज हुआ था। इस फ्रेज के बनने के 80 से 90 साल बाद ये इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा, किसने सोचा होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? क्या आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक टेक केयर।